नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे हम लेंस के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। इससे पहले हमने दो सेशन देख चुके हैं जिनमें 20 क्वेश्चन किए हैं। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता निर्भर करती है। अभिसरित और अपसरित, यहाँ पर ये नहीं आएगा, अभिसरित और अपसरित। अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फोकस दूरी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाइऑप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर है तो कितने मीटर के बराबर होगी? 1 मीटर के बराबर होगी। और 1 मीटर को 100 सेमी भी लिख सकते हैं। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जबकि अवतल लेंस की कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी ये क्वेश्चन किया है कि उत्तल लेंस की धनात्मक, तो अवतल लेंस की कैसी होगी? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की क्षमता +2.0 d है, d का मतलब है यहाँ पर डाईऑप्टर, d का मतलब क्या है? डाईऑप्टर। तो लेंस कौन सा होगा? तो ये पूछ रहा है कि यदि कौन सा लेंस होगा यदि क्षमता +2.0 d है। तो अभी हमने देखा था कि जो लेंस की क्षमता है धनात्मक कौन सी की होती है? उत्तल लेंस की। तो ये क्षमता पॉजिटिव चिन्ह में बता रखी है, तो लेंस हो जाएगा अपने उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही लेंस सूत्र है। तो सही लेंस सूत्र कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपने 4, सही उत्तर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v -1/u। तो ये जो है लेंस की क्षमता का, वो सॉरी लेंस का क्या है? सही सूत्र है। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन जिसमें प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, गोलीय दर्पण और लेंस के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। और कल से एक नए चैप्टर रसायन विज्ञान की शुरुआत करेंगे। और कल आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी लेके आएंगे, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपके लिए खुशखबरी है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।